आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभिनव बिंद्रा की। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बायोग्राफी कवर कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट को ही ना महत्व दिया जाए, सारे स्पोर्ट्स को महत्व दें। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगले साल ओलंपिक्स होने वाले हैं तो देखेंगे दोस्तों ओलंपिक्स में भारत का कैसा योगदान रहता है। हमें गोल्ड मेडल तो छोड़िए, हमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी तरस जाते हैं, गोल्ड तो बहुत दूर की बात। और हमेशा हमें भारत का जो स्थान होता है वो हमेशा नीचे होता है, और अगर कोई एक मेडल भी जीत के आ गया तो फिर उसको एकदम बहुत अच्छी बात है, उसको सराखों पर बिठाना भी चाहिए। लेकिन हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि जितने भी प्लेयर्स हैं सबको उस तरीके से ट्रेनिंग दें कि सब मेडल लेके आए, जैसे चाइना करता है, जैसे अमेरिका करता है। तो उस तरीके से हमको कुछ करना चाहिए ताकि ओलंपिक में हमारा मान बढ़े। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि भैया जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप बिल्कुल फुल ऑन चीयर अप करें। हमने इससे पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स की बात की है, स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि उस गेम को खेला कैसे जाता है। तो अभिनव बिंद्रा की इस बार हम बात करेंगे, जबरदस्त जर्नी रही है दोस्तों। शूटिंग चैंपियन भैया, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती, साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी जीता ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल। और 28 साल बाद ये गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद तो मतलब क्या बताऊं कि इतनी ज्यादा इनको तारीफ मिली, दुनिया भर में तारीफ मिली। बहुत ही जबरदस्त लेजेंड है इस समय, नए नए स्टार्स को, नए नए शूटिंग स्टार्स को ट्रेन कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी देखते हैं। तो आज हम अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे दोस्तों, बहुत बड़े स्टार रहे हैं लेकिन इनकी ये जो कहानी है ना इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, इतनी आसान नहीं रही है भैया। एक शूटर जिसकी आंखों में चश्मा लगा है, बुलजाई, लेकिन बुलजाई कैसे जब आंखों में ही चश्मा लगा लेकिन उसके बावजूद ये शूटिंग करते हैं, तो ये कमाल की बात है। तो आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, इनके अलग पहलू देखेंगे और शूटिंग के बारे में जानेंगे। सिर अनस्को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों जगह पर चेक PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ₹159 यू हैव टू पे, और वहां पे आपको गौरव सर के सारे वीडियोस, प्रशांत सर के और महिपाल सर के वीडियोस आपको मिलेंगे। गौरव सर के और भी बहुत सारे वीडियोस, सरप्राइज वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन करिए। हमारी दिवाली सेल स्टार्ट हो गई है दोस्तों, अब 10 दिन बचे हुए हैं, आप इसको जरूर अवेल करिए। 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट है और सारे कोर्सेज पे 70% डिस्काउंट है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा की बात करें तो 18 सितंबर 1982 में इनका 1982 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो 37 साल के हैं इस समय, और इनकी काफी, इनके जो पिताजी उनका नाम है SS बिंद्रा, और काफी वेल्दी पंजाबी फैमिली है, काफी अमीर है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा का बहुत बड़ा फार्म हाउस हुआ करता था जिसको बिंद्रा हाउस हुआ करता था, क्या हुआ करता है, जिसको हम बिंद्रा हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे इनके पिताजी की बड़ी बड़ी बंदूकें थी, तो ये बंदूकों को ऐसे जब अपने पिताजी के साथ फार्म हाउस जाते थे तो बंदूकों को देखते थे और उसको उनको साफ भी किया करते थे। तो वहां से अभिनव बिंद्रा का बंदूकों के लिए प्यार जो है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे शुरू हुआ, और फिर इनको लगा जब इन्होंने ट्राई की बंदूक चलाना तो भैया इनका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। और उसके बाद दोस्तों जब ये 10 साल के थे 1992, और उसके बाद फिर 1996 एटलांटा ओलंपिक भी इन्होंने देखना शुरू कर दिया, वहां से इनका माइंडसेट बदला कि अगर मैं इसको हॉबी के तौर पे नहीं, क्योंकि पहले ये जो बंदूक थी ये सिर्फ एज अ हॉबी कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद कुछ करना है तो चलो बंदूक ही चला लेते हैं, तो ये एज अ हॉबी थी इनकी। लेकिन 1996 के बाद सब कुछ बदल गया जब इन्होंने सोचा कि नहीं अब इसको मैं प्रोफेशनल करियर में तब्दील करूंगा, तो वहां से शूटिंग जो है अभिनव बिंद्रा की शुरू हुई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन यहां पे भी बहुत सारी रुकावटें आई। 1998 में इन्होंने डेब्यू किया भैया, ठीक है, शूटिंग रेंज में उतर गए। लेकिन 2000 में समर ओलंपिक जब हुए, ये यंगेस्ट इंडियन पार्टिसिपेंट थे, सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे जब इन्होंने डेब्यू किया था, 18 साल के भी नहीं हुए थे। इनकी जो पढ़ाई है वो दून स्कूल में हुई है, ठीक है ना। दून स्कूल आपको पता ही है कि बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो है वो दून स्कूल में पढ़े हुए हैं, और उसके बाद फिर सेंट स्टीफन से ये ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि जो इनका पटियाला में बहुत बड़ा फार्म हाउस है, ठीक है, वहां पे ही एक तरीके से फार्म हाउस के बगल में एक पूरा शूटिंग रेंज स्टैब्लिश की हुई है, इनका एक पूरा अलग से ही एक कह सकते हैं हम रूम है, ठीक है। वहां पे जिस तरीके से ओलंपिक्स में शूटिंग होती है ना एकदम उसी टाइप का बनाया गया है, और दिन रात प्रैक्टिस करते हैं अभिनव बिंद्रा, बहुत ही घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं, सोने का टाइम नहीं। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है, जरा सा अगर आप हल्का सा भी हिले तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत
होती है। जब इनका जो शूटिंग स्किल्स है वो सामने आया, ठीक है, इनकी जो प्रतिभा सामने आई, तो भैया कोच चाहिए था। बिना कोच के, बिना गुरु के तो कुछ होना नहीं है। तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल ढिल्लन के पास गई है, ठीक है, ये इनके फर्स्ट कोच थे। और उसके बाद फिर अमित भट्टाचार्य, जिससे जो इनसे आज भी एसोसिएटेड है, इन्होंने इनको शूटिंग के गुण सिखाए और उसके बाद फिर इन्होंने डेब्यू किया। दोस्तों अगर हम शूटिंग की बात करें तो आपको बताना चाहता हूं कि ओलंपिक में 1896 एथेंस में हुआ था, 1896 ग्रीस की कैपिटल एथेंस। वैसे ओलंपिक सबसे पुराना गेम है, ठीक है, बहुत पहले से हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1896 में जब ओलंपिक शुरू हुआ, समर ओलंपिक शुरू हुआ, तब शूटिंग को शामिल किया गया, ठीक है। और जब भी ओलंपिक होता है, दो बार खाली शूटिंग को नहीं शामिल किया गया, आई थिंक 1927 1925, आप थोड़ा डेट देख लीजिएगा, लेकिन वरना जब भी समर ओलंपिक्स होता है हमेशा शूटिंग को जो है वो शामिल किया ही जाता है। कि शूटिंग ओलंपिक में जो शूटिंग इवेंट होता है वो कैसे होता है, देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 3 गन्स यूज होती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपकी होती है सबसे इंपॉर्टेंट राइफल, ठीक है, ये राइफल आपको दिख रही है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, लंबी वाली बड़ी खतरनाक राइफल। दूसरा होता है, जो दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पिस्टल। पिस्टल आपको दिख रही है, देखिए, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, ठीक है। राइफल में 3 इवेंट होते हैं, वैसे टोटल 5 इवेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन 3 पोजीशंस पे राइफल को रखा जाता है, फिर फायर किया जाता है। और मेंस वुमेन्स दोनों के लिए होते हैं, ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए इवेंट होते हैं, 10 मीटर राइफल और 50 मीटर राइफल, ठीक है। उसके बाद पिस्टल की बात करें तो इसके भी अगेन 3 इवेंट होते हैं, 25 मीटर और 50 मीटर, ये पोजीशंस है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप 25 मीटर पे खड़े हैं तो टारगेट पास होगा, 50 मीटर पे खड़े हैं तो दूर खड़े हैं तो टारगेट दूर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉटगन। शॉटगन में अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है 3 इवेंट, अगेन ट्रैप, फिर डबल ट्रैप, फिर स्कीट। ट्रैप में हम देखते हैं, आपने डिस्क देखी होगी, जब भी शूटिंग इवेंट होता है आपने डिस्क देखी होगी, डिस्क आती है और उसको 4 सेकंड के अंदर मारना होता है, बहुत ही कम टाइम होता है आपको। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत फोकस चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही वो डिस्क आती है, ठीक है, ट्रैप में ऐसे क्रॉस में आएगी डिस्क और आपको मारना होगा तुरंत 4 सेकंड के अंदर। और स्कीट में आपसे दूर जाएगी डिस्क, जैसे आप यहां पे खड़े हैं तो आपसे दूर जाएगी तो वहां पे आपको मारना होगा, और ट्रैप में पास में आएगी, डबल ट्रैप में इसको दुगना कर दीजिए। तो ये मेन 3 गन के इवेंट्स होते हैं, और टोटल अगर हम इन फर्दर गन्स की डिविजन की बात करें तो 6 गन्स यूज होती है, होती वैसे प्राइमरली 3 ही है, ठीक है, राइफल, पिस्टल और शॉटगन, लेकिन इसके भी फिर कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो टोटल 6 गन्स यूज होती हैं और अलग अलग इवेंट्स होते हैं। और जब आप टारगेट को हिट करेंगे तो उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि 2018 में 1 जनवरी 2018 से रूल्स चेंज हो गए हैं शूटिंग के, ठीक है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो शॉट्स हैं, ठीक है, मतलब कितनी बार आप बंदूक चलाएंगे, ठीक है, और कितनी बार आप टारगेट को हिट करेंगे, उसको शॉट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल का जो इवेंट है वो अब 40 शॉट से लेकर 60 शॉट्स तक इंक्रीज हो गया है। यानी कि इस बार जो हम ओलंपिक देखेंगे, इससे पहले 40 शॉट्स दिए जाते थे, अब 60 शॉट्स, 60 शॉट्स मिलेंगे। टाइम भी बढ़ा और पॉइंट्स भी ज्यादा हुए, समझ गए ना। वुमेन्स का जो 50 मीटर और 300 मीटर जो राइफल की जो 3 पोजिशन होती है, ठीक है ना, उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि 60 से 120 शॉट तक, यानी कि दुगना कर दिया है। तो कुछ ये जो रूल्स है इस बार के समर ओलंपिक्स के 2018 से चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। जो रनिंग टारगेट होता है वो भी 40 शॉट से 60 शॉट्स कर दिया है, ठीक है। तो कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से होता है ये पूरा शूटिंग, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको हिट करना होता है टारगेट को। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग और बहुत ही जबरदस्त फोकस चाहिए होता है। ये इतना आसान जितना आपको सुनने में लग रहा है, इतना आसान एक्चुअली है नहीं, लेकिन जो भी करियर इसमें बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स है, ठीक है, भारत का नाम रोशन करिए। और ये एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो भी गेम्स होते हैं ना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे, शूटिंग को उसमें इंक्लूड किया जाता है, बहुत ही मेन इवेंट होता है ये एक तरीके से ओलंपिक्स का, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा ने इसी में गोल्ड लाया था, तो आप इसी से ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब इनकी हम जर्नी की बात करते हैं। 2000 ओलंपिक्स में इन्होंने मतलब जब ये 17 साल के थे तब इन्होंने, ये जो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया, सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे। हालांकि जीत नहीं पाए थे, मेडल नहीं जीत पाए थे ये, लेकिन 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। इसमें भी ये सिर्फ 15 साल के थे, तो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हुए, ठीक है, और ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। 2001 में जब म्यूनिच वर्ल्ड कप हुआ तब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता 600 में,
567, मतलब जबरदस्त स्कोर, एक भी टारगेट मिस, मतलब एक आठ टारगेट इन्होंने मिस किया, बाकी सब हिट किए। उसके बाद इन्होंने, हम देखते हैं कि 2001 में जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हुए, 6 गोल्ड लेके आए, यहां से इनकी जर्नी जो है वो शुरू हो गई। फिर 2000 में इनको अर्जुन अवार्ड और 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला इनको, बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों 2002 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वहां पर भी ये मेडल लेके आए, 2004 एथेंस ओलंपिक्स हुए, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं जीत पाए, यानी कि 2000 ओलंपिक्स और 2004 ओलंपिक्स में इनको बहुत नाकामी का, मतलब नाकामयाब रही है। फिर इनको इसी दौरान दोस्तों चश्मा भी लगा, -2 का इनको पावर है और -4 वो बाद में बढ़ के हो गई थी, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप ग्लासेस, एक तो आपके आंखों में ग्लासेस लगे हुए, स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, पावर ज्यादा है और उसके बावजूद आप एक ऐसे, आप एक ऐसे स्पोर्ट्स को चुने हुए जिसमें आंखों की बहुत ज्यादा महत्वता है, ठीक है ना, कि आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रहना है और बिल्कुल नजर नहीं हटानी है, होता है 6x6 विजन आपको यहां पे चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस कमजोरी को उन्होंने कभी भी आड़े नहीं आगे आने दिया। 2006 में इनको बैक इंजरी हो गई, स्पाइनल इंजरी हो गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि 2006 के ही दौरान दोस्तों ये वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने, ISSF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ठीक है, इंडियन शूटिंग फेडरेशन की, जागरेब में जो हुई थी वहां पे इन्होंने जीती 2006 में। और 2006 में इन्होंने मेलबर्न में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता और ब्रॉन्ज जीता सिंगल इवेंट्स में, क्या बात है। लेकिन एशियन गेम्स इन्होंने मिस किया, क्यों, बैक इंजरी थी। अब बैक इंजरी थी, बहुत दिक्कत की है, अगला ओलंपिक 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स थे वो खेल भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन इन्होंने खेला, बड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की और 2008 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्ट लिया और वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता। 28 साल बाद भारत ने पहला गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में, इससे पहले हॉकी में 1980 में गोल्ड जीता गया था, उसके बाद ये बहुत 28 साल का सूखा पड़ गया था। और 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए तब अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड लेके आए और कमाल कर दिया, उसके बाद तो जो इनका भव्य स्वागत हुआ है, रातों रात ये स्टार बन गए थे, बहुत सारी स्टेट्स ने, सारे इंडियन स्टेट्स ने उन्होंने बहुत सारे इनाम दिए, ठीक है। तो ओलंपिक्स उस मायने से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी कोई ओलंपिक में कोई भी मेडल लेके आता है तो उसको सरकारें बहुत ज्यादा ऑनर करती हैं, ठीक है। वैसे और भी ज्यादा ये कुछ इस तरीके का सरकार को करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्ट लें ओलंपिक्स में, ठीक है, और भारतीय मेडल लेके आए, कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए। हालांकि इस समय बहुत काम हो भी रहा है और अभिनव बिंद्रा भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, ठीक है, इनकी खुद की एकेडमी भी है और जुड़े भी हुए हैं ये, ठीक है, तो ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि 2008 में इनको गोल्ड मेडल मिला और बहुत जबरदस्त स्टार हुए ये। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इन्होंने खेला, अभिनव बिंद्रा यहाँ पे नेशनल फ्लैग बियरर थे, ओपनिंग सेरेमनी जो हुई यहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर एशियन शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन 2012 में जो ओलंपिक्स हुए, लंदन ओलंपिक्स, वहां पे नहीं जीत पाए। हालांकि इनके जो सहयोगी थे गगन नारंग, जो एक और शूटर है, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गए थे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गगन नारंग भी एक बहुत ही बड़े शूटर हैं। फिर 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ग्लासगो में, वहां पर इन्होंने फिर गोल्ड जीता। समर ओलंपिक्स हुए, अब देखिए 2014 में ऐसा लग रहा था कि शायद अभिनव बिंद्रा जो है वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही वो 32 साल के हो गए थे लेकिन वो रिटायर नहीं हुए, उन्होंने और मेहनत की और फिर से वो वापस आए। तो 2016 समर ओलंपिक्स में वापस आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें गोल्ड नहीं जीत पाए थे, मतलब कोई मेडल नहीं जीत पाए थे, फोर्थ आए थे, ठीक है। तो ये इनकी जबरदस्त गजब की जर्नी रही है। 2008 बहुत सारे गोल्ड जीते, लेकिन जो 2008 में जो इन्होंने गोल्ड जीते समर ओलंपिक्स में वो कमाल का रहा था। बहुत सारी चीजें ये बताते भी है और इनके नेचर का पहलू भी है ये, एक्चुअली ये बड़े शांत रहते हैं, आपने देखा होगा गीता के हिसाब से यही है कि सही पुरुष तो वही है जो दुख में भी बिल्कुल शांत रहता है, सुख में भी बहुत शांत रहता है। बैलेंस्ड व्यक्ति को ही उत्तम पुरुष माना गया है, तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। जब 2008 में इन्होंने मेडल जीता तो बड़ा हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे, बहुत मतलब इतना खुद के भी ऊपर हंस रहे थे और हंसते ही जा रहे थे, इनकी हंसी रुकी नहीं रहती। और ऐसे बहुत ही रेयर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप इतने सीरियस रहते हैं, बिल्कुल अपने इमोशंस को कभी दिखाते नहीं है, तो इनका बहुत ही जो कोट मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि Yesterday never counts, ये अब बीत गया, आपने सेलिब्रेट कर लिया, एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, बस अब इससे उभरिए, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है ना। और आफ्टर गेम के बाद आपको कुछ टाइम भी, जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको खेल के बाद कुछ टाइम भी चाहिए होता है,
6 से 7 घंटा ये खुद भी ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फार्म हाउस में पूरा इन्होंने शूटिंग रेंज इस्टेब्लिश की हुई है, और जब रियो ओलंपिक्स हो रहे थे तो जैसे ही आप उस मतलब उस फार्म हाउस में जो पूरी शूटिंग की रेंज इस्टेब्लिश की है, जब आप उसमें जाएंगे तो सब जगह रियो के बैनर्स लगे हुए थे। ऐसा फील लाने की कोशिश की गई थी कि एक्चुअली में वो रियो ओलंपिक्स है, और बहुत प्रैक्टिस करते थे वो। पेरेंट्स बहुत ज्यादा इनके सपोर्टिव रहे हैं, पेरेंट्स ने फुल ऑन सपोर्ट किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खेल में जाते हैं तो क्या है कि पढ़ो, खेलना वेलना नहीं है, सब बकवास है, बर्बाद कर देगा, लेकिन इनके पेरेंट्स ने फुल ऑन सपोर्ट किया है क्योंकि टैलेंटेड बहुत ज्यादा थे। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि अब तो ये रिटायर हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अब ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देता, बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, काफी पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, बिजनेस भी करते हैं। और एक चीज उन्होंने और बहुत अच्छी बोली थी कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, बैक इंजरी हुई, ऐसा लग रहा था कि शायद इनका करियर खत्म हो जाएगा, चश्मा लग गया, बहुत दिक्कत, लेकिन इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली है कि सक्सेस और फेलियर जो होते हैं ना, ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, और ये सच भी है। फेलियर से तो सक्सेस भी होगा, और अगर आपको सक्सेस होना है तो जो भी आपके पास है, जो भी आपकी लिमिट में है, वो पूरा लगा दीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, और 2009 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया, ठीक है ना, जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आपको पता ही है सबसे बड़ा क्या है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ये चार सबसे बड़े भारत के अवार्ड है, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, इनकी मूवी भी बन रही है, और हर्षवर्धन कपूर, शायद ये अनिल कपूर के बेटे हैं, तो वो इनकी मूवी में नजर आएंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल का फायदा जरूर उठाए। थैंक यू सो मच।